भागवत का सार ही कृष्ण है। और जैसे सार को अंत में कहा जाता है, लेकिन भागवत में आरंभ में ही भागवत के सार को कह दिया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, भगवान को सच्चिदानंद घन कहकर के पुकारा जाता है। ये कृष्ण है, गोविंद है, केशव है, ये भगवान के नाम हैं, प्रदान किए गए नाम हैं, लेकिन गुणों के आधार पर भगवान को तीन गुणों से परिभाषित किया गया है। एक है सत्य, एक है चिद और तीसरा है आनंद। इन तीन वास्तविक गुण होने के कारण भगवान को सच्चिदानंद घन कहके पुकारा गया। पहला जो उद्बोधन किया गया है भगवान के लिए, जो उपयोग किया गया है, वो है सत्य शब्द। सत्य शब्द भगवान के लिए, सत्य से ही भागवत का शुभारंभ हो रहा है। अर्थात इस कथा में जिनके बारे में आप सुनने जा रहे हैं, वो भगवान वो हैं जो सत्य स्वरूप है। और सत्य शब्द बड़ा सोच समझ करके शास्त्रों ने यहाँ लिखा है, क्योंकि वो जानते हैं इस दुनिया में हर चीज असत्य है। इस दुनिया में हर चीज झूठी है, कुछ दिनों तक रहने वाली है और उसके बाद उसका नाश होने वाला है। यानी कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज टेम्पररी है। और उस चाहे वस्तु को लगा लीजिए, चाहे मानव को लगा लीजिए, हर व्यक्ति का अंत एक ना एक दिन निश्चित होता ही होता है। जैसे ये शरीर, ये जिसको एक अद्भुत मशीन कहा गया है, इस शरीर रूपी मशीन का भी एक ना एक दिन अंत निश्चित होता है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।